आइए अब हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना किस प्रकार से होती है। जैसे कि आप देख चुके हैं जो कार्बोक्सिलिक समूह है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक समूह के जितने भी बंध हैं वह एक ही प्लेन पर उपस्थित होते हैं, यानी कि इनकी संरचना समतलीय होती है। और चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्बन है उससे एक डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तथा दूसरा जो ऑक्सीजन है वह सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है तथा जो कि आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि इनकी संरचना में साथ ही साथ जो उसका जो इसकी जो चौथी संयोजकता है, जो कार्बन की चौथी संयोजकता है वह किसी आर या ए आर समूह यानी कि एल्किल या एरिल समूह के द्वारा ये संतुष्ट होती है। तो इस तरह से हम देखें यहाँ पर जितने भी कार्बन के चारों ओर बंध दिख रहे हैं वो सभी एक ही प्लेन पर होंगे और इनके बीच जो बंध आबंध कोण होता है वह 120 डिग्री का पाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देखें कि यहाँ चूंकि यहाँ पर एक सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन उपस्थित है और ऑक्सीजन कार्बन की अपेक्षा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ा है वह ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पर कुछ धन आवेश आ जाता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वह इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है क्योंकि इस पर धन आवेश है, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वह इस पर आकर आसानी से यहाँ पर प्रतिस्थापित हो सकता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन की तुलना कार्बोनिल समूह के कार्बन से करें तो यहाँ पर हम देखें कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति होती है वह कार्बोनिल समूह के कार्बन की अपेक्षा ये कम होती है। स्पष्ट है यहाँ पर हम संरचना में देखें कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है जिसमें कि कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड तो होता ही है, साथ ही साथ कार्बन की जो दो संयोजकता होती है वो एल्किल या एरिल समूह या फिर हाइड्रोजन के द्वारा पूरी होती है। तो इस स्थिति में यहाँ पर ऑक्सीजन पर चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन जोड़ा चला जाता है जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यह इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफिलिक की तरह कार्य करने लगता है। इसे मतलब इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और बड़ी आसानी से यह किसी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी ओर यदि हम कार्बोक्सिलिक कार्बन को देखें तो यहाँ पर भी चूंकि ये कार्बोनिल समूह तो उपस्थित है जिसकी वजह से कार्बन पर कुछ धन आवेश आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ एक दूसरा ऑक्सीजन भी होता है जिसके पास दो लोन पेयर होते हैं और यह तुरंत जैसे ही कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है यह अपने इलेक्ट्रॉन जोड़े कार्बन ऑक्सीजन बंध पर ये को दे देता है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन रागी जो स्वभाव है उसमें कमी आ जाती है क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कंपाउंड के अंदर से ही यहाँ पर ऑक्सीजन से ही हो जाती है, इसलिए उसे बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की उतनी आवश्यकता नहीं होती और इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होती है उसकी इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति कार्बोनिल कार्बन के इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति से कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के बनाने की विधियाँ। कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की पहली विधि जो हम देखेंगे वह है प्राथमिक एल्कोहलों से। इसके पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले जो चैप्टर हैं उसमें भी हमने जाना है कि जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं जब इनका ऑक्सीकरण किया जाता है तो ये पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद ये फिर अंत में जाकर कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग करके हम प्राथमिक एल्कोहलों से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑक्सीकारक का उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। सबसे अच्छा जो ऑक्सीकारक होता है जो हमें सीधे
प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक समूह देता है। ऐसे ऑक्सीकारक में आता है एक नाम जो है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पर कैमेनोफोर का उपयोग हम कर सकते हैं और कैमेनोफोर के लिए माध्यम में हम अम्लीय माध्यम भी रख सकते हैं, क्षारीय माध्यम भी रख सकते हैं या फिर उदासीन माध्यम भी रख सकते हैं, जिससे प्राथमिक अल्कोहल से सीधे ही हमें कार्बोक्सिलिक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग करने के लिए हमें माध्यम अम्लीय रखना होता है, जिससे हमें प्राथमिक अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं RCH2OH, यहाँ पर ये प्राथमिक अल्कोहल है और जिसका हम कैमेनोफोर के द्वारा या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के द्वारा जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें सीधे ही कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और अभिकर्मक का हम उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे कि जोन्स रीजेंट भी कहा जाता है। इसका उपयोग करके भी कार्बोक्सिलिक अम्ल सीधे बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं RCH2OH, यहाँ पर हमने लिया है CrO3+H2O जोन्स रीजेंट और इसके द्वारा भी हम प्राथमिक कार्बोक्सिलिक समूह RC OH प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरी अभिक्रिया, जिसमें हम एल्डिहाइड के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि चूंकि एल्डिहाइड प्राथमिक अल्कोहल से ही प्राप्त होते हैं और एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए हम मृदु ऑक्सीकारकों का उपयोग भी कर सकते हैं। और इसको हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में देखा भी था कि जब किसी एल्डिहाइड RCHO की क्रिया यदि हम टॉलरेंट रीजंस के करते हैं, टॉलरेंट रीजेंट मैंने पहले भी बताया है, ये होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट और यहाँ पर जो कि एल्डिहाइड समूह उसके साथ यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ इसमें जो सिल्वर होता है वह यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, अवक्षेपित हो जाती है और जो कि जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब में एक सिल्वर मिरर के रूप में प्राप्त होती है। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं रीजन, वो है फेलिंग रीजन और यहाँ पर हम किसी एल्डिहाइड की क्रिया फेलिंग रीजन के द्वारा कराते हैं तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है वह कार्बोक्सिलिक यौगिकों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा जो फेलिंग रीजेंट है वह रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर भी हम बता दें कि जो फेलिंग रीजेंट होते हैं वो दो यौगिकों का मिश्रण है, जिसे हम दो सॉल्यूशन इसमें लिए जाते हैं, जिसमें कि एक जो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए उसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होता है और जो दूसरा सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी वह सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, यानी कि टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम साल्ट होता है। तो इन दोनों को समान मात्रा में जब हम मिलाते हैं तो हमें फेलिंग सॉल्यूशन प्राप्त होता है और जब हम इसकी क्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एल्डिहाइड के साथ लेकर जब इसे गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से एल्डिहाइडों का उपयोग करके हम मृदु जो ऑक्सीकारक हैं उनकी सहायता से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड प्राप्त करने के लिए भी हम यहाँ पर ले सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं और यह जो तीसरा जो एग्जांपल है वह है एल्किल बेंजीन के द्वारा। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब हम किसी एल्किल बेंजीन से यानी कि जो बेंजीन रिंग है उसमें उसके एक हाइड्रोजन को यदि हम किसी एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें प्राप्त होगा एल्किल बेंजीन। जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए एक हाइड्रोजन को मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो हमें यहाँ पर मिलेगा एल्किल बेंजीन या जिसे हम सामान्य नाम के तौर पर टालुइन के नाम से जानते हैं। जब हम इसकी क्रिया क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करते हैं तो यहाँ पर हमें पहले जो
एरोमेटिक कंपाउंड है उसके साल्ट प्राप्त होते हैं, और ये जो साल्ट हैं वो आगे जल अपघटन के द्वारा, हाइड्रोलिसिस के द्वारा फिर हमें एरोमेटिक अम्ल देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं टालुइन, जब हम इसकी क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट तथा क्षार के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इनके साथ हम कराते हैं और हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें एक के प्लस आयन होगा और दूसरा OH माइनस आयन होगा। तो यहाँ पर ये जो इसका पहले ऑक्सीकरण होता है और साथ ही साथ इसका पोटेशियम साल्ट, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे एरोमेटिक, उनका पोटेशियम साल्ट हमें प्राप्त होगा, और ये जो पोटेशियम साल्ट है फिर आगे जल अपघटन के द्वारा हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यौगिक देगा। तो इस तरह से क्षार की उपस्थिति में हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए ये हमने जो एरोमेटिक एल्किल बेंजीन यहाँ पर लिया है, तो वहाँ पर एक यदि हम यहाँ पर जो एल्किल समूह है उसकी संख्या बढ़ा दें, जैसे कि हमने लिया है यहाँ पर C6H5CH2CH2CH3, यहाँ पर जो एल्किल समूह है वो 3 कार्बन संख्या वाला है, तो इसका जब हम ऑक्सीकरण करेंगे यहाँ पर रिएजेंट वही लिए जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट तथा यहाँ पर क्षार होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इनके साथ अब हम अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर भी हमें सीधे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका पोटेशियम साल्ट प्राप्त होगा, यानी कि जो 3 कार्बन की एल्किल श्रृंखला है वह सीधे ही कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि इस अभिक्रिया के द्वारा हम देखें कि जो एल्किल समूह है उसमें कितने कार्बन हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पर जो जितने भी प्राइमरी एलिफेटिक समूह हैं उनकी संख्या कितनी भी हो, उसमें कितने भी कार्बन हो, वो सीधे कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाते हैं, और जब इनका इन साल्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ पर द्वितीयक एल्किल समूह लेते हैं, मान लीजिए जो एरोमेटिक रिंग है उसमें द्वितीयक एल्किल समूह उपस्थित है, तो वहाँ पर भी हम देखें कि जो बीच वाला कार्बन होगा, द्वितीयक कार्बन होगा, उसमें एक हाइड्रोजन उपस्थित है और इसलिए इसका यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, और वहाँ पर भी हम देखें कि हमें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट प्राप्त होंगे जो कि हाइड्रोलिसिस के बाद हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल देंगे। लेकिन यदि यहाँ पर बेंजीन से जुड़ी हुई जो कार्बन श्रृंखला है या जो एल्किल समूह है वह तृतीयक है, यानी कि जो तृतीयक कार्बनिक कंपाउंड यहाँ पर हम ले रहे हैं टर्शरी ब्यूटिल बेंजीन, यदि हम ले रहे हैं यहाँ पर जो आपका प्रतिस्थापी है या एल्किल समूह है वह टर्शरी है, टर्शरी ब्यूटिल समूह है, और हम जानते हैं कि जो टर्शरी ब्यूटिल समूह होगा उसमें कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इस तरह से तृतीयक एल्किल समूह वाले जो प्रतिस्थापी होंगे और वैसे वाले जो बेंजीन वाले जो कंपाउंड होंगे तो उनका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी और इस तरह से हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि बेंजीन के साथ प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार के एल्किल समूह उपस्थित हैं तब तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा, लेकिन यदि प्रतिस्थापी तृतीयक समूह वाला है, तृतीयक एल्किल समूह है, तो हमें यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त नहीं होंगे। इसके बाद हम देखें कि यहाँ पर यदि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जो प्रतिस्थापी हैं वो एल्कीन भी हैं तो उनका भी हम ऑक्सीकरण यदि करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगली विधि, और अगली विधि में हम जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की है वो है नाइट्राइल एवं एमाइड के द्वारा। अब हम जानते हैं कि नाइट्राइल है ना, जिनका सामान्य सूत्र होता है RCN, और यहाँ पर जो R है वो एल्किल समूह भी हो सकता है या फिर यहाँ पर ARCN एरिल समूह भी हो सकता है, यानी कि एलिफेटिक या एरोमेटिक दोनों ही प्रकार के जो नाइट्राइल हैं उनका जब हम सीधे जल के साथ इनकी क्रिया कराते हैं, जल के साथ सीधे इसे गर्म करते हैं, तो पहले ये एमाइड में कन्वर्ट होते हैं,
और जब इनका आगे हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं और साथ ही साथ अमोनिया गैस बाहर निकलती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिया है RCN। अब हम जानते हैं कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जब हम इसे वाटर के साथ, यहाँ पर H+ भी उपस्थित हो सकता है या OH- उपस्थित हो सकता है, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम देखें कि जो जल है उसका जो ऑक्सीजन है वह कार्बन के साथ जुड़ जाता है और जो दोनों हाइड्रोजन होंगे वह नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और जो हमें नई संरचना प्राप्त होगी वो होगी RC OH और C से जुड़ा होगा NH2 समूह। तो यहाँ पर हम देखें कि हमें एमाइड प्राप्त हो गए हैं। अब ये जो एमाइड है उसका जब हम आगे और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अब यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन वाला जो बंध है वह टूटेगा और यहाँ पर कार्बन पर, चूंकि कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन जो है वह इलेक्ट्रॉन जोड़े खींच लेता है जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो जल का OH- वाला हाइड्रोक्सिल समूह होगा वो सीधे यहाँ पर कार्बन से जाकर जुड़ जाता है और इस तरह से RC OH यानी कि कार्बोक्सिलिक यौगिक हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो जल का H+ आयन था वह NH2 समूह से जुड़ जाता है और यहाँ पर हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो इस तरह से एल्किल या एरिल नाइट्राइल के द्वारा इनका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें पहले एमाइड मिलते हैं और उसके बाद ये एमाइड आगे जल अपघटित होकर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं। इसी तरह से हम एक एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर बेंजीन नाइट्राइल C6H5, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंजीन रिंग है, उससे जुड़ा हुआ है C NNN समूह यानी कि नाइट्राइल समूह। इसका भी हम जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही क्रिया होगी, पहले जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से यहाँ पर दोनों पाई बंद जो हैं वो टूटेंगे और जो जल का ऑक्सीजन है वह कार्बन से जुड़ जाएगा जबकि दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएंगे और इस तरह से हमें प्राप्त होगा, यहाँ पर चूंकि हमने बेंजीन लिया था तो हमें बेंजामाइड प्राप्त होगा जिसमें कि बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के साथ उससे जुड़ा कार्बन है C OH समूह है और कार्बन से जुड़ा हुआ ही है NH2 समूह। इसकी जब हम आगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर हमें बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर बेंजोइक एसिड प्राप्त होगा और साथ ही साथ अमोनिया बाहर निकलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि नाइट्राइल के द्वारा हम एमाइड और एमाइड से फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर इसकी क्रियाविधि को हम अच्छी तरह से समझते हैं।